पीसीआर खड़ी है भाई, उसके सामने जुलूस की गूंज सुनाई दे रही है भाई, गूंज। जुलूस क्या भाग रही है भाई रात को, खतरनाक एकदम भाई, खतरनाक। क्या कहती है अपनी पब्लिक, जुलूस वर्सेस केटीएम 390 की ड्रैग हो जाए। ओ भाई, अरे यार कहां को निकल गई है भाई, कहां को निकल गई है। क्या बेस है गाइस इसके आवाज में, क्या भाग रही है रात को, 900 अलग ही लेवल से भाई। मेरी 105 पे चल रही है तो वो कम से कम ज्यादा नहीं तो 150 पे जा रही है भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है, स्वागत है। और गाइस फाइनली दिस ब्लॉग इज स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे अपने घर के बाहर से। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डायरेक्टली पेट्रोल पंप के साथ। फिलहाल गाइस हम लोग आ रखे हैं अपने 220 के अंदर भाई, मस्त करके ना ड्यूक 250 में और ड्यूक 390 में पेट्रोल भराने के लिए। और गाइस आपको एक चीज बताऊं भाई, आज की राइड रहने वाली है काफी ज्यादा क्रेजी, काफी ज्यादा मस्त, क्योंकि गाइस हम लोग पहली बार लेके जाने वाले हैं दोनों के दोनों ड्यूक को मस्त करके नोएडा राइड पे। और नोएडा राइड पे अपने साथ और भी सुपर बाइक्स जुड़ने वाली हैं। मेरे हिसाब से गाइस हमारे ना काफी सारे ड्रीम्स आने वाले हैं, इंडिया के ना बहुत लाखों बंदे हैं जिनके सुपर बाइक ड्रीम होते हैं, तो उन ड्रीम में से कुछ सुपर बाइक ड्रीम वाली बाइक आने वाली है, लाइक G900 भी आने वाली है, कावासाकी Z900 आने वाली है। और आज की राइड रहेगी काफी ज्यादा शानदार। फिलहाल गाइस हम लोग हैं मस्त करके पेट्रोल पंप पे, और जो धूप हो रही है ना भाई खतरनाक लेवल की भाई, सामने का व्यू जरा चेक करो भाई। फिलहाल हम लोग ना सोनीपत वाले हाईवे के अगल बगल हैं, यहाँ पे अपनी बीस्ट कर रहे हैं, बाइक्स उठाएंगे फटाफट नोएडा पहुंचेंगे, मस्त करके राइड निकालेंगे। और भाई बहुत सारे प्लान है गाइस, आज के भी काफी सारे प्लान है, वेट एंड वॉच करना, व्लॉग को देखना टिल एंड तक। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं नोएडा राइड के लिए, राइडिंग जैकेट भी डाल ली है, ग्लव्स भी अपने साथ, शूज भी है, जींस भी डाल ली है, राइडिंग जैकेट भी डाल ली है। हाँ मेरे भाई कलीम रेडी, चलो भाई राइडर लोग यहाँ खड़े हैं, निकलते हैं यहाँ से फटाफट गाइस, बाइक को निकालते हैं यहाँ से, पेट्रोल भरा लिया है। ये चेक करो गाइस, फ्यूल एकदम पूरा है भाई अपनी 390 में ना, और जब फ्यूल पूरा होता है ना भाई बिल्कुल टेंशन नहीं होती, यहाँ से कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ से बॉम्बे निकल जाओ, रास्ते का है जो भी देखा जाएगा रास्ते में, लेकिन निकलते हैं गाइस यहाँ से फटाफट। गर्मी काफी ज्यादा हो रही है ना, आंखें भी नहीं खुल रही गाइस, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेट्स गो निकलते हैं। ये चेक करो गाइस, फिलहाल नोएडा राइड के लिए हम लोग बैठ चुके हैं बाइक के ऊपर 250 के ऊपर भाई, बैठ चुके हैं भाई, रैप कर दो भाई, आवाज सुना दो बिल्कुल, मजा आ गया भाई, फुल सिस्टम एक्रा लगे उस वाले बीच में अपनी ड्यूटी स्टे पर, लेकिन उसकी जब बात सुनो ना सुबह सुबह को स्टार्ट कर दोनों की, भाई पूरी की पूरी दूसरी बाइक की आवाज सुना, निकलते हैं यहाँ से फटाफट गए, चलो भाई लेट्स गो। रियली आगे ब्रो, आगे दिखाएंगे। हाँ ये चेक करो गाइस, फिलहाल अपना नोएडा राइड का यहाँ पे आ चुका है भाई पहला अंडरपास, दोनों की दोनों ड्यूक भाई आसपास हैं, आगे 250 चल रही है, पीछे हम लोग 390 को इसलिए रखते हैं ना गाइस, आपको पता होना चाहिए भाई, कुछ भी अगर मसला होता है ना भाई आगे वाली बाइक के साथ तो दोनों को पता हो भाई, आगे वाली बाइक तो आगे चल ही रही है, पीछे वाली बाइक को पता लग ही जाएगा। बाकी ये चेक करो, फाइनली बोर्ड आ चुका है भाई भवाना का, सीधा जाएंगे तो भवाना आएगा, उसके बाद नोएडा आएगा। और ये चेक करो भाई, फाइनली हम लोगों ने अंडरपास में प्रवेश कर लिया भाई, क्या सुंदर सा अंडरपास है, आवाज चेक करना भाई 250 की ना, फुल सिस्टम एकरा लगा उसमें, फाड़ के रख देगी भाई अंडरपास को, व्हीली बस नीचे भाई व्हीली अंडरपास के अंदर ठीक है, 3, 2, 1 अंडरपास में व्हीली। ओ भाई ये चक्कर हो भाई खतरनाक, भाई साहब अंडरपास के अंदर व्हीली चल रही है भाई, इससे ज्यादा खतरनाक सीन क्या ही होएगा, एक और व्हीली मारेंगे भाई, ओए होए होए, क्या लेके जा रहे हैं अंडरपास में से, खतरनाक लीन मारते हो भाई, ओए होए होए
अंडरपास से फाइनली बाहर आ चुके हैं और अंदर जो युद्ध मचाया ना लोगों ने भाई, व्हीली मेरे को बताया यार कम पॉप हुई होगी, लेकिन पूरा अंडरपास गुजा दिया भाई। जो बंदे गाड़ी पे थे ना उन्होंने कान पकड़ लिए होंगे भाई, फुल सिस्टम एक्रोपोविक वन सिलेंडर में आवाज फाड़ू होती है भाई। फिलहाल चेक करो भाई, यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ से दिख रहे होंगे आपको, लेकिन पहाड़ नहीं है भाई, एक खेत में थे ना। ये चेक करो भाई, बगल में लेफ्ट हैंड साइड को क्या खतरनाक सा हनुमान जी का मंदिर है ना। बोलो जय श्री राम भाई, जय श्री राम। सही सौभाग्य है भाई, मंगलवार के दिन पहुंचे हैं भाई भवाना के हनुमान मंदिर के आसपास। बोलो जय श्री राम। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई मंगलवार के दिन भवाना में, कितनी सुंदर सी मूर्ति है ना। दोनों की दोनों ड्यू पहुंच चुके हैं भाई मस्त हाईवे पे, अभी रेस लगाते हैं। चलो वो वाला लेन चेक करो भाई, कितना खतरनाक ट्रैफिक से भरा पड़ा है भाई, गाड़ियां सड़क ही नहीं रही है वहां पे। हमारा लेन बहुत बढ़िया भाई। चलो फिर रेस हो गया भाई दोनों ड्यू के बीच में। अभी का टाइम हो रहा भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं भाई करनाल बाईपास के आसपास। कितने सारे पंछी मंडरा रहे हैं भाई एक ही लाइन में ना, और कितना धुआं धुआं हो रखा है भाई यहाँ पे, काला काला खतरनाक लेवल का व्यू आ रहा है भाई पहाड़ों वाला यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा ना भाई वेस्टेज से बना हुआ है भाई, कूड़े कटकट से बना हुआ है ना पूरा का पूरा पहाड़, अलग ही लग रहा है भाई खतरनाक एकदम। ये चेक करो गाइस, फिलहाल दिल्ली की ट्रैफिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई। अभी आप लोग सीट बेल्ट लगा लो क्योंकि आपको धमाकेदार कटिंग वटिंग दिखने वाली है भाई। निकलती तो मजेदार है भाई 390 कसम से, ट्रैफिक में से भी दुनिया 4 घड़ी ना हारती है भाई, निकल कैसे रहे बंदे। आए 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 250 आगे गई भाई, आईएसपीटी भी सीधा है, नोएडा भी सीधा भाई, सीधा ही चलेंगे। इस ट्रैफिक में खींचने का एक अलग ही मजा है भाई। चेक करो भाई कैसे सांप की तरह गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है भाई, वो भी धूप के अंदर भाई, सबसे बड़ी बात है गर्मी के अंदर। BMW GT भाई दिल्ली की रोड पे, अबे यार क्या लग रही है मस्त, दिखाते हैं आपको भाई। ये चेक करो भाई GT क्या लग रही है खतरनाक। कितनी प्यारी सी नदी है, उसके बीच में दो ड्यूक आपस में भिड़ रही है भाई, रेस लगा रही है। क्या कट लग रहे हैं भाई, ये
ये चेक करो गाइस, फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं भाई नोएडा के हाई ऑन टॉर्क में, और ये कैफे भी है और आप लोग कह सकते हो भाई सर्विस स्टेशन भी है, जिसने अपने बाइक के छोटे मोटे काम कराने हो, सर्विस करानी हो, टायर चेंज कराने हो। सो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई नोएडा में हाई ऑन टॉर्क में, और कुछ ही देर में भाई सुपर बाइक्स आने वाली है, उनकी वेट करना। एक एक करके दोनों KTM अंदर लगा रहे हैं भाई। चलो हाई ऑन टॉर्क की पार्किंग में फाइनली KTM सेट कर दिया भाई। फाइनली गाइस, फिलहाल हम लोग आ रखे हैं हाई ऑन टॉर्क में, और फिलहाल हम लोग हैं भाई नोएडा 150 सेक्टर में। और फिलहाल हम लोग करने क्या है ना, आपको पहले बताऊंगा। ये चेक करो भाई, हम लोग ना अपने ड्रीम के सामने सामने खड़े हैं, यानी अपना ड्रीम बिल्कुल आंखों के जस्ट सामने खड़े हैं भाई। और भाई इस टाइम ना मेरे वर्ड्स अटक सकते हैं, वर्ड्स पे ध्यान बिल्कुल मत देना, क्योंकि ड्रीम जब सामने खड़ा होता है ना भाई, सारी चीजें भूल जाता हूँ, सारे वर्ड्स ही भूल जाता हूँ भाई। ये चेक करो भाई साहब, ये चेक करो जरा भाई, फाइनली आपके सामने पेश है भाई 2023 मॉडल की Z900 ग्रीन प्लस ब्लैक कलर में, क्या लग रही है भाई। और आपको पता भाई इसमें हेडर्स होते हैं ना भाई, इसमें मस्त करके 4 थ्रोटल बॉडी होती है, मस्त करके 4 हेडर्स होते हैं। साथ में एक और चीज भाई, इसमें लगा है फुल सिस्टम एरो का एग्जॉस्ट, और है किस भैया की, अंदर भैया बैठे हैं, उनसे मिलाता हूँ। फिलहाल गाइस हम लोग आए हैं मस्त करके ना हाई ऑन टॉर्क वाले स्टोर पे, और स्टोर के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें भाई, ग्लव्स भी हैं, पैड वैड भी हैं, सारी चीजें हैं भाई, यहाँ पे हेलमेट वेलमेट भी सारी चीजें हैं, सारी कंपनी के, आके ट्राई आउट कर सकते हो नोएडा में। और ये चेक करो भाई, आपको पता हम लोग 2 ड्यूक लाए थे, एक 250 लाए थे, एक 390 लाए थे। ये चेक करो भाई, ये क्या हो गया भाई, फिलहाल हम लोग ना भाई फुल ऑन टॉर्क की वर्किंग सेंटर पे हैं, वर्कशॉप पे हैं, और ये क्या हो गया भाई, अपनी ड्यूक 250 पूरी खुल गई हुई है भाई, पीछे वाला टायर गायब है यहाँ से, खतरनाक भाई। कलीम भाई क्या करा रहे हो उसमें, टायर चेंज करा रहे भाई। आपको पता होगा हम लोग राइड पे जब निकले थे ना घर से, तो भाई उसका टायर पूरा खत्म हो गया हुआ था, और भाई फिलहाल ना सिर्फ मेरा दिल, दिमाग, सारी चीजें भाई, सारा का सारा भाई जीनोसो पे पड़ा है। और आपको पता भाई जीनोसो अपनी फैमिली में आई है, तो भाई उस पर राइड करनी तो बनती है, चलेंगे उसके साथ भी राइड पे। अपनी 390 गई है भाई का टायर वायर ना फिट कराने के लिए, सो आए थे तो हमने सोचा लग गया था नया टायर भी डला लेते हैं, क्योंकि भाई का टायर पिछले वाला पूरा गया हुआ था भाई, पूरा खत्म था। जिनकी G900 है, आपको लाते हैं भैया से। और भैया क्या हाल चाल है विवेक भैया? विवेक भैया फॉर फर्स्ट टाइम है ना व्लॉग में, आपकी G900 है ना? पहले मैं हेलमेट में था, बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल आपको फेस रिवील हो चुका है भाई यहाँ पे, और आपको बता दो भाई यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस था काफी ज्यादा, सनबर्न्स थे भाई, इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा हॉटनेस थी, 390 ने पैर के पूरे बाल जला दिए। बाकी भैया आप बताओ 900 का क्या एक्सपीरियंस है धूप में तुम्हारे, अगर बैल बाल जो इसने 390 ने जला दिया तो 900 बताए क्या करेगी। हाँ 900 तो भाई कुछ और भी जला सकती है, बाकी गाइस फिलहाल आप जला सकती है बहुत कुछ, सब कुछ जला सकती है भाई। और विष्णु भैया क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भाई, फुल ऑन टॉर्क के भैया ओनर है ना, तो भाई जो हाई ऑन टॉर्क भाई, हाई ऑन टॉर्क के भैया ओनर है, और जो भी चीजें करानी हो, सर्विस करानी हो, सारी सुपर बाइक यहाँ पे डन हो जाएंगी, आगे भाई स्पेयर पार्ट भी मिल जाएंगे, जो भी चीजें करानी है आगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भैया नोएडा कौन सा सेक्टर है? ये 130 में पड़ता है, 130 में पड़ता है भाई, आगे चक्कर आ सकते हो। और लैंडमार्क भैया आसपास, लैंडमार्क किसको चाहिए हो तो? काफी सारे स्कूल्स पढ़ते हैं यहाँ पे, फुटप्रिंट वगैरह, प्ले स्कूल्स, बच्चों की सारे स्कूल्स हैं आगे। चलो भाई आके ना पता कर लेना, जो भी चीजें आपको चाहिए हो यहाँ के चेकआउट कर लेना। भैया मेन चीज क्या है, यहाँ पे ऊपर कैफे भी है ना? कैफे अभी स्टार्ट नहीं है, बट कर देंगे। ठीक है। बाकी फिलहाल हम लोग निकलेंगे G900 के साथ, 390 के साथ, KTM 250 के साथ, नए टायर डलवाने के बाद राइड पे छोटी सी राइड निकालेंगे। भैया कहाँ तक जाएंगे, कितने किलोमीटर से यहाँ से? देखते हैं, जहाँ तक जाम ना मिला। ठीक है, जहाँ तक जाम नहीं मिला भाई, जाम मिला तो सब खत्म है ना, हीट ज्यादा मार देती है ना। बाकी निकलते हैं यहाँ से, और इसके बाद डायरेक्टली चलना अपने को गुहाना में भाई। आपको पता है हरियाणा में अपने को काम है, दोबारा से कोई ना कोई चीजें बैकेंड में चलती रहती हैं अपनी बाइक से रिलेटेड। बाकी 250 पूरी खोल दी हुई है ना, हाँ कराते हैं काम G900 के साथ। गाइस निकलते हैं यहाँ से राइड के लिए, सारी चीजें आपको बता दी है डिस्क्रिप्शन में ना, आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा भाई, कहाँ पे वाली लोकेशन पड़ती है। बाकी ये चेक करो भाई, खतरनाक G900 को जितनी बार भी देखो ना भाई, उतनी बार अपने को ऐसा लगता है भाई अपना ड्रीम अपने सामने खड़ा है, बस अपने हाथ में नहीं है भाई। फिलहाल आपको पता है भाई ड्रीम कैसे अपने हाथ में आएगा, मेहनत करने से, सपोर्ट बनाए रखने से, जो कि ऑडियंस बनाई रखेगी अपने ऊपर। बाकी निकलते हैं गाइस यहां से 900 के साथ एक खतरनाक राइड के लिए। कलीम भाई रेडी? चलो निकलते हैं यहां से, 390 आ रही है, किसी काम से गई है ना, 390 उठाते हैं, 900 भी उठाते हैं ना, फाइनली G900 अपने व्लॉग में दूसरी बार आ रही है, निकलते हैं यहां से, लेट्स गो भाई, मजा आ जाएगा आज। फाइनली गाइस जिस मूवमेंट का ना यार अपन को भाई बहुत दिनों से, बहुत महीनों में से कह सकते हो आप लोग, बहुत सालों से भी इंतजार था, मस्त करके Z900 खड़ी है यहाँ पे कावासाकी की, और उसको करने जा रहे हैं हम लोग कोल्ड स्टार्ट भाई, फुल सिस्टम एरो लगा है भाई इसमें, कर दो भैया कोल्ड स्टार्ट। आए होए 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 होए, इनिशियल पे आवाज है गाइस, मेरे कानों को भी फाड़ दिया भाई, आवाज को भी दबा दिया भाई पूरा का पूरा ना, Z900 की आवाज ने, कसम से गाइस, कसम से
खतरनाक आवाज है भाई, और क्या लुक है ना भाई इसकी, अलग ही लेवल की भाई। फाइनली जीरो सो आपके सामने है, इनिशियल पे काफी ज्यादा लाउड है भाई, खतरनाक एकदम। 390 अपनी यहाँ खड़ी है, ये चेक करो। आवाज तो इसकी भी सही है भाई, है ना 390 की, लेकिन उसकी भाई कुछ खतरनाक है भाई, फुल सिस्टम एरो के साथ ना, और 250 सीरी उसकी भी आवाज सुन लो भाई, आवाज आवाज आय है उसकी और भी अलग आवाज है भाई, खतरनाक गूंज रही है ना सारी की सारी बाइक्स। फिलहाल निकल रहे हैं भाई सीधा गुहाना के लिए, अपने घर के लिए ना, हाईवे पे चलते हैं फटाफट गाइस। जी 900 आपके सामने है, वो बैक हो रही है, सारी की सारी इकट्ठे चलते हैं भाई राइड पे, लेट्स गो फॉर इट। चलो भैया मेरा बैग रह गया होगा अंदर। चलो गाइस फिलहाल निकल रहे हैं भाई नोएडा से बाहर, और ये चेक करो भाई साहब जी 900 का इनिशियल, आए वाय वाय वाय, खतरनाक बच्चों की लाइन आ गई भाई जी 900 को देख के। ओहो हो 900 आगे चल दिए गाइस, ये चेक करो, एक भाई पीछे रह गए ड्यूक के साथ ना, चलो फिर उसके साथ निकलते आगे ना। जी 900 वन एंड ओनली बीस्ट आपके सामने चल दिए, ये रही भाई खतरनाक मशीन है भाई, खतरनाक। ओए पीसीआर खड़ी है भाई उसके सामने, जीरो से की गूंज सुनाई दे रही है भाई, गूंज। जीरो से क्या भाग रही है भाई रात को, खतरनाक एकदम भाई खतरनाक। 390 तो काफी पीछे रह गई है भाई, क्या कहती है अपनी पब्लिक, जी 900 वर्सेस केटीएम 390 की ड्रैग हो जाए। ओ भाई अरे यार कहाँ को निकल गई है भाई, कहाँ को निकल गई है, खतरनाक एकदम भाई खतरनाक। पब्लिक रिएक्शन चेक करो, ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले शावा शावा भाई, पुलिस के सामने जी 900 की तगड़ी वाली आवाज। ओ, क्या बेस है गाइस इसकी आवाज में, भगवान से गुजारिश करते हैं भाई हमें इतना लायक बना दे कि जी 900 हम लोग भी अपने घर की पार्किंग में खड़ी कर दे भाई, कसम से। कहां नहीं फट जाएंगे गाइस इसकी आवाज से, तो कसम से कह रहा हूं भाई, ये बात ये चीज नहीं भाई, ये प्यार है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, जिस समय जिस टाइम पे अपने पास ये बाइक आ गई ना, हमारी जिंदगी सफल है भाई कसम से, ये सिर्फ गाइस आपके सपोर्ट की वजह से हो सकता है भाई। फाइनली नोएडा की सड़कों पर जी 900 और अपनी केटीएम 390 एक ही फ्रेम में, फायर भी मारी है जी 900 तो, जैसे डाउन गियर करते हैं ना, डाउन शिफ्ट करते हैं, खतरनाक बैक फायर्स मारती है भाई। ओहो हो पटाखे चक्कर हो गए जी 900 के, खतरनाक लेवल के भाई। अबे भी यार कुछ कम नहीं है भाई, जी 900 की ऑलमोस्ट टक्कर कर रही है भाई। इधर से जाना है शायद यार, हमें रास्ते का कुछ ज्यादा पता नहीं है। जी 900 वाले भैया को ही पता भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, जी 900 वाले भैया को ही पता है, लेकिन लग क्या चीज रही है भाई, ये हमारा दिल जीत लिया भाई इस बाइक ने, जी 900 ने, उसकी आवाज ने, इसकी पावर ने।
सोचा नहीं था गाइस कभी जिंदगी में ना जिनोसो के साथ ड्रैग कर पाऊंगा, इसके साथ चल पाऊंगा, लेकिन भगवान जी ने हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा सोच रखा है भाई, हमारी किस्मत से भी ज्यादा ना। ओए जिनोसो तो मक्खन की तरह आगे निकलती है भाई। अलग ही लेवल से भाई, मेरी 105 पे चल रही है तो वो कम से कम ज्यादा नहीं तो 150 पे जा रही है भाई। ओ भाई कहाँ चली गई, कहाँ गए बूढ़ी भाई रात को यार, क्या भागती है मैं। भैया को सी ऑफ करते हैं, हम लोग निकलते हैं घर पे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है हमारा, हाँ 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 ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम स्पेयर किया है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू, ओके फिर मिलते हैं जल्दी, है ना, ओके फिर मिलते हैं। ओ भाई साहब जिनोसो तो निकल चुके हैं यहाँ पे। बाकी गाइस होप करता हूँ आज वाला व्लॉग आपने दिल से पसंद किया होगा, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय, लव यू ऑल।